हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, लीजेस के बारे में। अब लीजेस के बारे में हमने क्या पढ़ना है कि देखो, लीजेस का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर एक पर्सन किसी एसेट को रेंट पर देता है क्या दूसरे पर्सन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझो, मान लो ए ने बी को क्या दिया, एक बिल्डिंग रेंट पे दी, मतलब बिल्डिंग रेंट पर ली है बी ने, तो हमारी अकाउंटिंग में मैं ए को क्या बोलूंगी, लेसर, एंड बी को क्या बोलूंगी, लेसी। तो जो मेरा फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा ज्यादा इस चैप्टर में, लेसी की अकाउंटिंग के बारे में। मेरा फोकस यहाँ पर लेसी की अकाउंटिंग पर रहेगा। लेसर की अकाउंटिंग भी हम डिस्कस करेंगे, बट इसका इतना मुश्किल पार्ट भी नहीं है, और ज्यादा जो स्टैंडर्ड भी आपका फोकस करता है वो लेसी की अकाउंटिंग पर फोकस करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है लीजेस का वो कौन सा है, IFRS 16 आपका एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है ऑन लीजेस। अब नेक्स्ट, लीजेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेफिनेशन। क्या सबसे पहले लीज का मतलब क्या हुआ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कब एक लीज कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन अंडरलाइन एसेट। मतलब बेसिकली एसेट पास नहीं हो रहा, एसेट को यूज करने का राइट पास हो रहा है, और यहीं से आरओ राइट टू यूज से ही, यानी कि आरओयू एसेट से ही हमारी लेसी की अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन द लेसर इज द एंटिटी दैट प्रोवाइड्स आरओयू एसेट। लेसर का मतलब क्या हुआ, वो एंटिटी जो राइट एसेट का यूज करने का राइट दे रही है, दैट प्रोवाइड्स राइट, और लेसी इज द एंटिटी जो उस राइट को ले रही है, मतलब विच ऑब्टेन्स राइट। और ये राइट उसको कोई फ्री में नहीं मिल रहा, इस राइट के अगेंस्ट उसको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, लीज पेमेंट्स। आरओयू एसेट इज द लेसीज राइट टू यूज एन एसेट। अब यहीं से आपकी लेसी की अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द लीज, कब एक कॉन्ट्रैक्ट लीज में आएगा, IFRS 16 के स्कोप में आएगा। तो IFRS 16 लीजेस रिक्वायर लेसीज टू रिकॉग्नाइज एन एसेट एंड अ लायबिलिटी फॉर ऑल लेसीज अनलेस दे आर शॉर्ट टर्म और ऑफ ए मिनिमल वैल्यू। ठीक है, तो जब तक एक लीज जो है वो IFRS 16 में आएगी, कब तक, अगर वो किसी आइडेंटिफाइबल एसेट के अगेंस्ट है, अनलेस मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, दो चीजों को छोड़कर, क्या शॉर्ट टर्म लीज को छोड़कर या मिनिमल वैल्यू को छोड़कर। मिनिमल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी लीज शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मैम कितना, एक से कम ईयर, टू ईयर से कम ईयर, कम टाइम का, तो द स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपका लीज पीरियड जो है वो 1 ईयर से कम है तो वो IFRS 16 के अंडर लीजेस में क्लासिफाई नहीं होगा, या आपकी मिनिमल वैल्यू की कम अमाउंट की लीज है तब भी आपका ये IFRS 16 नहीं लगेगा। एज सच इट इज वाइटल टू असेसी वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज और वेदर इट इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो अगर ये दो केसेस हुए, कौन से दो केसेस, शॉर्ट टर्म लीज और अ लीज ऑफ मिनिमल वैल्यू, देन इट विल बी कंसीडर कि क्या किया जाएगा, ये एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है बस और कुछ भी नहीं है, वो लीजेस में नहीं क्लासीफाई किया जाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना लीज को ऑब्टेन करने का, इट शुड बी अगेंस्ट आइडेंटिफाइबल एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बदले, और इस कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं, लीज पेमेंट्स। इस कंसिडरेशन को हम क्या बोलेंगे, लीज पेमेंट्स। द कस्टमर कंट्रोल्स द एसेट्स यूज। अब यहां पर आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है कि कस्टमर के पास एसेट का कंट्रोल नहीं आया है, कस्टमर मतलब लेसी, यहां पर कस्टमर के पास एसेट का कंट्रोल नहीं आया है बल्कि एसेट को यूज करने का कंट्रोल आया। ओनरशिप कंट्रोल अब भी किसके पास है, हमारे लेसर के पास है। द कस्टमर कंट्रोल्स द एसेट यूज इफ इट हैज, कब, राइट टू सब्सटैंशली ऑल द एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट, जब उसके पास एसेट के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट को लेने का राइट है। दूसरा, एसेट के यूज को वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, मतलब खुद अपनी मर्जी से उस एसेट के यूज को चला सकता है।
द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट कैन स्टिल एग्जिस्ट इफ द लेसर पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स यूज विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट. राइट टू डायरेक्ट तब भी एग्जिस्ट करेगा अगर लेसर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे कि आप इस एसेट को इस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर एसेट को यहां पर यूज नहीं कर सकते आप. सच एज कैपिंग द मैक्सिमम माइलेज ऑफ ए व्हीकल, आप इस पर्टिकुलर एसेट को एक पर मंथ में या पर डे में सिर्फ इतना ही ड्राइव करोगे. IFRS 16 says that a customer does not have right to use an identifiable asset. ये कब नहीं माना जाए, कब माना जाएगा कि customer के पास right नहीं है? If the supplier has practical ability to substitute the asset. मतलब वो आपको जो asset lease पर दिया है ना, जो rent पर दिया है, उसके बदले कोई और asset substitute कर सकता है. अगर ऐसी ability हमारे supplier कौन हुआ, हमारा lesser जो एसेट सप्लाई कर रहा है, अगर ऐसी कुछ एबिलिटी लेसर के पास है, सप्लायर के पास है. मैं वर्ड यहाँ पर लेसर इसीलिए ही नहीं यूज कर रही क्योंकि अभी डिसाइड हो रहा है ना कि IFRS 16 के प्रीव्यू में इसने आना भी है या नहीं. तो अगर कुछ ऐसी एबिलिटी हमारे सप्लायर के पास है तो उस केस में वो IFRS 16 के प्रीव्यू में नहीं आएगा. अंडरस्टैंडिंग वन रीड करते हैं. अंडरस्टैंडिंग वन में देखो, Coffee Bean enters into a contract with the airport operator to use some space in airport to sell its goods from portable kiosks for a 3-year period. तो उसने space rent पर ली है airport operator से. Coffee Bean owns the portable kiosk. The contract stipulates that the amount of space and states that the space may be located at any of several departure areas within the airport. कहीं भी हो सकती है, किसी भी departure area के पास हो सकती है. The airport operator can change the location of the space allocated to Coffee Bean. This is the deciding factor कि airport operator जो कि हमारा supplier है, जो rent पर दे रहा है, वो change कर सकता है location of space allocated at any time during the asset. And the cost that airport operator would incur to do this would be minimal. और इसके लिए airport operator को जो cost आएगी वो एक minimal सी cost है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी लीज के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? तो इसका आंसर देखते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग वन यहां पर इसका आंसर क्या कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन अ लीज. कॉन्ट्रैक्ट में ये हम नहीं मानेंगे कि लीज आई है. क्यों? द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्पेस इन द एयरपोर्ट एंड द एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास एक ऐसा राइट है, वो एबिलिटी है जिससे कि जो आपको स्पेस एलोकेट की है ना, वो उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है. मैंने अभी क्या बोला कि अगर हमारे सप्लायर के पास ऐसी कुछ एबिलिटी है कि वो जो अवेलेबल स्पेस है उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है, जो अवेलेबल गुड्स है उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है, देन इट विल नॉट कम अंडर IFRS 16. सो देर आर मैनी एरियाज अवेलेबल दैट वुड मीट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स. द एयरपोर्ट ऑपरेटर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली और इससे उसको बेनिफिट भी होगा. देखो दो कंडीशंस हैं क्या, एक तो उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो सब्सटीट्यूट कर सकता है, दूसरा वो इकोनॉमिकली बेनिफिट भी होगा उसको सब्सटीट्यूट करने से. तो दैट्स वाई ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही लिख दिया कि ये जो है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यानी कि IFRS 16 के अंडर नहीं आएगा. और अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक सिनेरियो IFRS 16 के लीज के डेफिनेशन में ही नहीं आया तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको हम IFRS 16 के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं करते. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेसी की अकाउंटिंग की, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर मैं लेसी की अकाउंटिंग को इन ब्रीफ बताऊं ना, आपने लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रॉडली दो चीजें क्लासिफाई करनी है. कौन सी? फर्स्ट इज ROU एसेट, जिसको मैं राइट ऑफ यूज एसेट बोल रही हूँ. सेकेंड इज लीज लाइबिलिटी. इन्हीं दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी. नाउ सबसे पहले बात करते हैं लीज लायबिलिटी की. अगर आप किसी भी लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो और वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, स्पेसिफाई हो गया कि हाँ वो IFRS 16 के अंडर आएगा,
अब लीज लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो ऑब्वियसली आपने अगर एक पर्टिकुलर एसेट को यूज करने का राइट ऑब्टेन करना है तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, जिसको मैं लीज पेमेंट्स बोल रही हूँ। हो सकता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फर्स्ट ईयर की लीज पेमेंट हो $10,000, फिर सेकेंड ईयर की लीज पेमेंट $10,000, फिर थर्ड ईयर की लीज पेमेंट $10,000। मतलब आगे आने वाले सालों में इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी आपका लीज पीरियड है 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, उन सालों में आप पर एक लायबिलिटी आने वाली है, जिसको उस लायबिलिटी को मैं क्या बोलती हूँ, लीज लायबिलिटी। यानी कि अगर इन सारी पेमेंट्स को मैं खींच के प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊं, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यूज है ना, फ्यूचर में कॉस्ट इनकर होने वाली है, तो इन सारी पेमेंट्स को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊं तो वो क्या बन जाता है, हमारी लीज लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी मैंने ऐसी ऑब्टेन नहीं किया, ये एक पर्टिकुलर एसेट को यूज करने के लिए ऑब्टेन किया। देखो, अगर मेरी बैलेंस शीट के एसेट, अगर मेरी बैलेंस शीट के एसेट वाली साइड पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ये यूज ऐड हो रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं आया, वो किसके थ्रू आया, वो लायबिलिटी के थ्रू आया। तो इस लायबिलिटी के अगेंस्ट मुझे क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आरओयू एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट जिसको मैं बोलती हूँ। At the commencement of the lease, IFRS 16 requires lessee to recognize lease liability and right of use asset. अब conceptual framework इसके बारे में क्या कहता है? The conceptual framework defines an asset as economic resource. हम basic पे जाएं, asset according to conceptual framework मत एक तरह का economic resource जो entity के control में है, जो कि arise हुआ है past event की वजह से, वो हमारा एक asset की definition में आता है according to our conceptual framework। तो मैम, आप इसको ROU asset से कैसे link करोगे? ROU asset जो है वो meet करता है ये definition, क्यों? क्योंकि lessee determines how the asset is used during the lease term। अब ये जो यूज वो करेगा, इससे उसको क्या मिलेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। अगर मान लो मैंने एक बिल्डिंग रेंट पर ली है, लीज पर ली है, उस बिल्डिंग में मैं बिजनेस करूंगी तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ना। द लेसर इज अनएबल टू यूज, मतलब कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिफाइन्स अ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो कि पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हो रहा है, जिसके अंडर आपको अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। यही मीनिंग पड़ा था ना। तो इसका मतलब जो हमारी लीज लायबिलिटी है वो भी इस डेफिनेशन में आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर लेसी के पास इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या आया है, ऑब्लिगेशन आया है। ऑब्लिगेशन क्या आया है, ट्रांसफर कंसिडरेशन टू लेसर Once the asset has been available, ठीक है। तो that's why दो चीजें हम लोग recognize करेंगे अपनी books of accounts में, one is ROU asset and next is lease liability। अब बात करते हैं सबसे पहले initial measurement की। मैम, हमने contract enter कर लिया है, अब आप मुझे ये बताओ कि ROU asset कैसे recognize करेंगे and lease liability कैसे recognize करेंगे। तो देखो, सबसे पहले लीज लायबिलिटी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, और वो फेयर वैल्यू क्या है, द लीज लायबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट। मतलब इन फ्यूचर में जो जो ऑब्लिगेशन आपके पास आ रहा है ना, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ चुका है ना, पेमेंट डेट फ्यूचर में है, तो उसको खींच के प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ। दैट्स व्हाई लीज लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट जो अभी तक आपने की नहीं है। मैम, लीज पेमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? तो लीज पेमेंट्स में आएगा आप जो फिक्स पेमेंट्स कर रहे हो, यानी कि इन ईयर बाय ईयर 10,000, 10,000, 10,000। दूसरा, वेरिएबल पेमेंट दैट डिपेंड अपॉन द इंडेक्स और रेट और इनिशियली वैल्यूड यूजिंग द इंडेक्स और रेट एट द कमेंसमेंट डेट। मतलब जैसे मान लो मैंने एक लीज पेमेंट फिक्स कर दी, मेरा जो लीज पीरियड है वो 10 ईयर का पीरियड है लीज पीरियड, और मैंने उसके लिए लीज पेमेंट फिक्स कर दी $10,000 की, लेकिन मुझे डर है कि अगर कल को इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए, इंडेक्स रेट चेंज हो गया, तो मेरी इस 10,000 की वैल्यू नहीं रहेगी। मैंने एक क्लॉज डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुए, इंडेक्स चेंज हुए, तो आपका जो ये लीज पेमेंट है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी।
तो दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड. उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल अंडर रेजिडुअल गारंटी, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी. नाउ व्हाट इज दिस रेजिडुअल वैल्यू गारंटी? रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का मतलब क्या हुआ कि देखो रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यू मतलब एसेट की लाइफ की एंड की वैल्यू, कि जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी उसमें वैल्यू क्या रहेगी, उसको हम क्या बोलते थे, रेजिडुअल वैल्यू बोलते थे. अब इस केस में जैसे मान लो एक एसेट है, वो लेसर ने लेसी को दिया, लेकिन उसको डर है कि लेसी उसको इतना ज्यादा यूज ना कर ले कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू ही खत्म हो जाए एकदम, ठीक है ना. मतलब एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जब मैं उस एसेट को मार्केट में सेल करना चाहूं तो मुझे उसकी रेजिडुअल वैल्यू के नाम पर कुछ भी ना मिले. तो हमारा जो लेसर है वो क्या करता है, वो इस डर के मारे अपनी एक रेजिडुअल वैल्यू गारंटी फिक्स कर देता है. वो कहता है कि अगर मुझे मार्केट से ये वैल्यू ना मिली ना तो लेसी मुझे वो वैल्यू देगा. जैसे इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में लें, मिस्टर ए ने क्या किया, एक एसेट लीज पर दिया मिस्टर बी को, और वो एसेट था एक कार. उसने क्या किया, उसने 10 ईयर के लिए या 7 ईयर के लिए उसको लीज पे दिया, और इस कार की जो अभी लाइफ है वो कितनी है, 9 ईयर की है. मतलब अप्रोक्सीमेट तकरीबन सारी लाइफ ही कवर होगी इस लीज में. अब मिस्टर ए को डर सता रहा है कि कहीं मिस्टर बी ये कार ऐसे यूज ना कर ले कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू ही खत्म हो जाए. दैट्स व्हाई मिस्टर ए ने क्लॉज डाल दिया कि अगर मुझे एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मार्केट से वो वैल्यू ना मिली या उस वैल्यू पे कम पे मिली. नॉर्मली ये कार 7 ईयर्स के बाद $10,000 की सेल होती है, बट अगर मुझे 8,000 ही मिली तो जो रिमेनिंग 2,000 है ना, ये लसी से रिकवर करेगा. इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी. नेक्स्ट, मैंने लेसी को ऑप्शन भी दिया कि वो क्या कर सकता है, वो ये पर्टिकुलर एसेट परचेज कर सकता है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म. ऑप्शन टू परचेज द एसेट दैट आर रीजनेबली सर्टेन टू बी एक्साइज. टर्मिनेशन पेनल्टीज. मैंने कहा देखो मैं आपको एक एसेट दे रही हूं, लेकिन ऐसा ना हो आप नेक्स्ट ईयर कह दो कि मैंने ये एसेट लीज पर नहीं लेना. नो, मतलब टर्मिनेशन पेनल्टीज, मतलब अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर्स के अंडर, जस्ट एग्जांपल है, 3 ईयर्स कोई फिक्स पीरियड नहीं है, थ्री ईयर्स के पहले टर्मिनेट कर दिया ना, आपको टर्मिनेशन पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी. तो लीज पेमेंट्स में मुझे ये सारे कंसीडरेशंस लेकर चलना. फिक्स पेमेंट्स तो आएंगी, वेरिएबल रेट आएगा इफ एप्लीकेबल, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी अगर लेसी को लगता है कि वो पे करेगा देन ही शुड कंसीडर दैट. मतलब इस रेजिडुअल वैल्यू गारंटी को जो उसका 7 ईयर बाद या 9 ईयर्स बाद पे होना है तो वो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा. अब मैंने अपने लेसी को एक ऑप्शन दिया, मैंने कहा एक काम करना ना, 7 ईयर्स के बाद आप ये कार खुद परचेज कर लेना. लेसी को ऑप्शन टू परचेज द एसेट. अब ऑप्शन टू परचेज द एसेट इवेल्युएट सिर्फ तभी होगा जब इट इज रीजनेबल सर्टेन टू बी एक्साइज. मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ये ऑप्शन ले लूंगी, अदरवाइज मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगी. टर्मिनेशन पेनल्टीज भी सिर्फ तभी इवेल्युएट होंगी जब ये एक्सपेक्टेशन है कि टर्मिनेशन पेनल्टीज इनकर होंगी. अब नाउ व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू गारंटी? रेजिडुअल वैल्यू गारंटी इज व्हेन द लेसर इज प्रॉमिस्ड दैट द अंडरलाइंग एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म विल नॉट बी वर्थ लेस देन अ स्पेसिफाइड अमाउंट. मतलब रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का मतलब क्या हुआ, लेसर इज प्रॉमिस्ड, मैंने लेसर को प्रॉमिस किया कि देखो इससे कम की वैल्यू नहीं होगी आपके एसेट की, और अगर होगी तो मैं आपको पे करूंगा. अब मैम जो प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, तो वो डिस्काउंट रेट शुड बी द रेट इम्प्लिसिट इन द रीज जो आपको रेट दिया गया होगा, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. अगर वो रेट नहीं दिया गया है जो कि रेट इम्प्लिसिट है रीज में, तो आप इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट जो है ना लेसी का, जिसपे वो बोरोइंग्स कर सकता था, आप वो भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं आरओयू एसेट की. मैम लीज लायबिलिटी का तो समझ आ गया, आरओयू एसेट के बारे में बताओ. अब आरओयू एसेट के बारे में देखो, द आरओयू एसेट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट.
ROU एसेट को हमने कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। देखो जब आप लोग अदर स्टैंडर्ड्स भी पढ़ते हो तो आप एक पर्टिकुलर एसेट को किस पे रिकॉर्ड करते हो, आप उस वैल्यू को लेते हो जिस पे आपने उस पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर किया। आपने उसको किस पे एक्वायर किया, कॉस्ट पर। और वो कॉस्ट क्या है, ये जो आप लीज पेमेंट्स कर रहे हो जिसको मैंने लीज लायबिलिटी कहा है, वही तो हमारी कॉस्ट है इस एसेट को लेने के लिए। तो ROU एसेट की कॉस्ट का मतलब इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, मतलब जो लीज लायबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे वही आपकी ROU एसेट बन जाएगा। लेकिन इन लीज पेमेंट्स के अलावा मुझे और पेमेंट्स भी करनी पड़ सकती हैं। कौन सी पेमेंट्स, हो सकता है मैंने कमेंसमेंट डेट पर कुछ अमाउंट पे किया हो लेसर को। मैम फिर आपने वो लीज लायबिलिटी में क्यों नहीं पे किया था? रजे मैं लायबिलिटी में तो तभी लूँ ना जब वो पेएबल है, जब वो पेएबल ही नहीं है तो मैं उसको लायबिलिटी में क्यों लूंगी। तो दैट्स वाई ROU एसेट को मेजर, बट वो ROU एसेट की कॉस्ट में तो आएगा। तो दैट्स वाई ROU एसेट को मेजर करने वक्त आपको लीज लायबिलिटी जो आपने कैलकुलेट की वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी, प्लस अगर कोई कॉस्ट दी है लेसी ने कमेंसमेंट डेट पर वो भी आएगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आएंगे, आपको लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है, प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी पड़ती है, या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिमूविंग और डिसमेटलिंग द अंडरलाइन लीज। अब ये कैसी कॉस्ट है, जैसे मान लो मैंने एक लैंड लीज पर ली और उस पर अब मैं एक बिल्डिंग बनवा रही हूँ। लीज जो मैंने लैंड ली है लैंड की, वो मैंने ली है 20 ईयर्स के टाइम के लिए और लीज कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन ये रखेगी कि 20 ईयर्स के बाद यू हैव टू रिमूव दैट बिल्डिंग और हमें लैंड खाली वापस मिलनी चाहिए, मतलब यू हैव टू डिसमेटल दैट बिल्डिंग। तो डिसमेटलिंग का खर्चा भी कहां पर आएगा, ROU एसेट में आएगा। तो ROU एसेट में ये फोर टाइप्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी, कौन सी, लीज लायबिलिटी, कमेंसमेंट डेट पर जो कॉस्ट इनकर की है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और रिमूविंग और डिसमेटलिंग द एसेट। ठीक है, सो ये था आपका लीज लायबिलिटी एंड ROU एसेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आप लीज टर्म में क्या क्या चीजें लोगे। ठीक है, मतलब लीज टर्म जो लीज पीरियड माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, क्योंकि इस लीज टर्म के अकॉर्डिंग ही हम अपनी लीज लायबिलिटी जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे ली है उसको मैं अनवाइंड करूंगी। अनवाइंडिंग डिस्काउंट IS-16 में आपने पढ़ा हुआ है। और दूसरा ROU एसेट जो रिकॉग्नाइज किया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।